तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जुनेद कालीवाला भाई की अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों बहुत टाइम के बाद में इन्होंने हम सभी के साथ में अपनी लेटेस्ट अपडेट को शेयर कर दिया है, जिसमें आप इनकी कंडीशन को देख सकते भाई बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ पर इनकी बाइसेप्स चेस्ट एंड शोल्डर पर फोकस कर सकते भाई यूज लग रहे हैं एंड एब्स पॉपअप हो रहे हैं और इन अपडेट्स में जुनेद भाई साइज में पहले से बिगर लग रहे हैं। तो दोस्तों आपने इनकी ये फिजिकल अपडेट देख ली है, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसो के बारे में। तो इनके प्रोसो से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आई है, जैसे इनकी तरफ से कोई अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर मिली जाएगी। तो इनके साथ ही हम बढ़ते अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है सुंदरम फिजिक भाई की तरफ से। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये कॉम्पीट करने वाले हैं सेरू क्लासिक में। तो मैं आप सभी के लिए इनकी 9 वीक आउट वाले अपडेट लेकर आ गया हूँ, जिसमें आप देख सकते हो सुंदरम भाई कितने इम्प्रेसिव लग रहे हैं। इन्होंने इस सीजन के अंदर अपनी बॉडी में बहुत ही बढ़िया मसल मास ऐड कर लिया है। आप यहाँ पर इनके चेस्ट एंड शोल्डर में फुलनेस को क्लियर नोटिस कर सकते हो। बैक में वाइडनेस होने के साथ साथ थिकनेस ऑन पॉइंट है। तो दोस्तों सुंदरम वाई की इन अपडेट्स को देखकर तो लग रहा है इस साल सेरू क्लासिक में प्रो कार्ड के लिए एक बड़े दावेदार होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इनके बारे में आपको क्या लगता है, क्या सुंदरम वाई इस साल इंडिया के न्यू IIBB प्रो बॉडी बिल्डर बन पाएंगे, नहीं कॉमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करेंगे सेरू क्लासिक में कॉम्पीट करने वाले एक और डेंजरस बॉडी बिल्डर की। तो दोस्तों इनका नाम है हरविंदर सिंह एंड उन्होंने 2 बार यहाँ पर गोल्ड मेडल सिक्योर किया है एंड प्रो कार्ड की फाइट में बस कुछ ही पॉइंट से पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों एमएचओ ओलंपिया के बाद में हरविंदर भाई ने अपनी बॉडी में साइज पर काम किया है एंड इनकी इम्प्रूवमेंट्स को आप इस वीडियो में क्लियर देख सकते हो। यहाँ पर भाई इनके शोल्डर एंड बाइसेप्स कितने ह्यूज लग रहे हैं। तो गाइस आप इनकी छोटी सी अपडेट को देखकर अंदाजा लगा सकते हो इन्होंने अपनी बॉडी में मसल मास ऐड कर लिया है और अब की बार सेरू क्लासिक में कंडीशनिंग के साथ साथ साइज भी लाने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं हरविंदर भाई यहाँ पर कैसी फिजिक डिस्प्ले करते हैं एंड इनके बारे में आपको क्या लग रहा है, क्या इस साले गोल्ड के साथ साथ प्रो कार्ड जीत पाएंगे नहीं, आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। इनके बाद हम बात करेंगे इंडिया के न्यू ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में जो भाई एक मॉन्स्टर फिजिक कैरी करता है। तो दोस्तों इनका नाम है विपिन गुज्जर एंड इस साले कॉम्पीट करने वाले हैं सेरू क्लासिक में। तो दोस्तों अब आप इनकी ये लेटेस्ट फिजिक अपडेट को देख सकते भाई कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। आप यहाँ पर इनकी अपर बॉडी की कंडीशन को भाई देख सकते बहुत ही बढ़िया है एंड लेग्स के साइज की तो क्या ही बात करें भाई, डोमिनेटिव है। तो फ्रेंड्स आपने विपिन गुज्जर भाई की ये फिजिकल अपडेट देख लिया, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एंड दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा विपिन गुज्जर भाई जब ऑफ सीजन करते हैं तो उनका वेट 130 केजी तक चला जाता है। तो दोस्तों इनके साथ ही हम बढ़ते अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई IIBB प्रो निशांत बंसल भाई की तरफ से। तो दोस्तों इन्होंने इस पोस्ट को अपनी स्टोरी में शेयर करते हुए दिल्ली इंडिया को टैग किया है। तो फ्रेंड्स क्या इससे हम यह समझ सकते हैं कि सुपर सेम भाई दिल्ली प्रो शो में कॉम्पीट करेंगे? तो दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो इन्हें देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और भाई इनके बारे में आपको क्या लगता है, क्या ये सेरू क्लासिक प्रो शो में कॉम्पीट करेंगे नहीं, आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करेंगे सिंगर राजपूत भाई के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इंडिया के बहुत ही पॉपुलर पावर लिफ्टर है एंड उन्होंने कुछ दिनों पहले ही नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों इन्होंने अपने इंस्टा पर इस स्टोरी को शेयर करते हुए लिखा है, IAM लिविंग पावर लिफ्टिंग फॉर सम पर्सनल रीजंस, IWant टू फोकस ऑन माई फिजिक एंड पेस, होप यू अंडरस्टैंड द डिसीजन एंड सपोर्ट लाइक यू ऑलवेज डू। तो दोस्तों ये अपने पर्सनल रीजन की वजह से पावर लिफ्टिंग को छोड़ रहे हैं और इसके बाद ये अपनी बॉडी के एस्थेटिक्स पर ध्यान देने वाले हैं, जिसे आप इनकी इस फोटो के कैप्शन में नोटिस कर सकते हो। इन्होंने कैप्शन में लिख रखा है द रिटर्न टू एस्थेटिक्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपसे आपके ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या सिंगा को पावर लिफ्टिंग करनी चाहिए नहीं, कॉमेंट में जरूर बताएं। तो इनके साथ ही हम बढ़ते अपनी लास्ट अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई IIBB प्रो भवन चौहान भाई की तरफ से। तो फ्रेंड्स इन्होंने हम सभी के साथ में इस पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें आप इनकी ओवरऑल बॉडी की अपडेट तो नहीं देख पाओगे पर आप इनकी बाइसेप्स इनके शोल्डर एंड ट्राइसेप्स पर फोकस कर सकते भाई कितने ज्यादा पॉपअप एंड ह्यूज लग रहे हैं और भाई जो इनके डेल्ट्स में राउंडनेस है वो कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव लग रही है एंड आप इनकी साइड चेस्ट में फुलनेस को भी नोटिस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी भवन चौहान भाई की करंट फिजिक अपडेट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।